जब भी मासिक परिणाम होती थी सैंतीस साल से इसमें एक तो मेल मिलाप होता था सबका, अब मैं वहां पर सब लोग मिल जाएंगे। इशू आ जाते थे एक महीने के बहुत इशू थे जा लेते थे, उनका क्या समाधान होगा अधिकारी सरकार से बातचीत करने आ जाते थे। बीच में मीटिंग बंद रही लेकिन ये मीटिंग फिर शुरुआत करनी पड़ी और सिस्टम ठीक चल रहा है। अभी भी कुछ फैसले यहां पर लिए और कुछ मुद्दे किसानों की तरफ से आते हैं जो बता रहे छोटे किसान है हमारी आवाज नहीं उठाते, बात जरूर उनकी भी ठीक है। एक बड़ा नैनो यूज आया है ये जबरदस्ती ओपियोई एक चीज है बोले इसका पैसा थोड़ा पूरा वे कोई इसको लेगा नहीं, इसको जरूरत होगी कौन सी दवाई ठीक है उनका जो भी किसान लेगा ना अधिकार थोड़ा बताएंगे कंपनी बताएंगे इसको लेना जरूरी है। ये चलेगा ही नहीं वही काम को लेना है काम को अब मैं करते के साथ में एक लेना पड़ेगा। एक बिजली का इसमें बड़ी ड्राई बिजली की लड़ते हैं कि बिजली फ्री हो, जो किसान जिसके ट्वेल नहीं है वो मोल का पानी दिलाता है भाई उसको भी असर आते हो मतलब बिजली का रेट अब आधा हो गया एक सौ पचहत्तर से पिचासी हो गया तो कम से कम उसका भी रेट आप बैठक को लिया सारा बिल भी वो भी सब जिनके ट्वेल है बिजली से पूरा पड़ोगे सैंतीस साल से ये ड्राइव में ले जाएंगे उन किसान की कौन बात करे सबसे ज्यादा तो वही किसान आता है। तो भाई रेट आता तो नहीं देता रेट आता जो मोल देता है उसको रेट तो कहता देता है भाई आटा का तो उससे कोई मोल होने का पूरी नहीं पूरी आपकी पूर्ति होगी उसका भी कर दो रेट बिजली का प्रमाण रहे के साथ वो जनरली बिजली फ्री हो जाएगी हमें पूरा अनुभव दे दो दो घंटे बिजली फ्री चल सकती है आपकी रोज सरकार के नियम अनुसार जो 1100-1300 जो यूनिट ले रहे हैं उसके बाद फिर फ्री करेगा वो दो घंटे में पूरी कर देगा डेढ़ दो घंटे में क्या डेढ़ घंटे में दो घंटे में किसान का पूरा फंस जाएगा। ये बिल बिल का पूरा नहीं पड़ेगा उसी से इलाज हो जाएगा। इन सबकी जड़ है कि आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। जब सरकारें बात ना सुनती हो जब अधिकारी बेनाम हो सकते हो तो टाइम पे काम की तरफ जाओ और अपनी ताकत को मजबूत करो अपनी जो सेना है इस फौज को मजबूत करो यही आपके काम आएगी। अपने संगठन पर ध्यान दो आपके सामने सरकार नहीं आएगी अभी डंडा मारने डंडा चलाने पुलिस फोर्स नहीं आएगी। सरकार का एजेंडा पिछले तीन साल का एक एजेंडा तय उनका हुआ उनको एक साल हो रहा काम करते के जो लोग आवाजी विचारधार से सहमत नहीं होंगे उनको चिन्हित किया जाए। आप अगर नागपुर विचारधार से सहमत नहीं होंगे आप चिन्हित होंगे आपके खिलाफ लोकल में ही मुकदमे दर्ज करवाएंगे आपको परेशान करा जाएगा आपके दुकान इंडस्ट्री कोई लग रही उसको ठप करा जाएगा आपके बच्चे नौकरी में कहीं ना आ रहे वहां पर पूरा इंटरव्यू में आपका नंबर नहीं आएगा। जब आप उस पर सहमत हो जाओ और आप उस पर सहमत नहीं होंगे तो ये समस्या आपके सामने आएगी। जैसे चप्पल का एक मामला है वहां के व्यापारी अधिकारी किसानों के बीच में बैठ के बातचीत होगी के रास्ता चौड़ीकरण 28 फुटोवर जो कागजों में है इन लोगों ने फिर भी कहा कि 30 फुट का आप करो लेकिन कुछ सरकारी संगठन बड़े हुए उसने कहा कि ये 40 फुट का होगा तो वे सरकार का काम करेंगे सरकार तो करेगी लेकिन वे काम जरूर करेंगे। अगर एक गांव में सिकेड़ा या बहुत से गांवों में
बाईपास बन सकता है, और जब फाफा भी बाईपास बन जाएगा, यहाँ के अधिकारी भी ढूंढ लें, यहाँ के नेता भी ढूंढ लें, जो फैसला एसडीएम टाइम पे लोगों के साथ में हुआ, चरफावल के जो व्यापारी हैं, व्यापार 30-35 रुपये का काम निर्माण कर, कोई रोकेगा, एक किसान संगठन उनका साथ देगा, अब आंदोलन होंगे, बाईपास बनाओ, आप सरकार को करने की जरूरत है, ये पसंदमारी करने की जरूरत नहीं है। अभी एक मामला खतौली का हुआ, ये था वहां पर उसके खिलाफ वहां आंदोलन धरना प्रदर्शन था, वहां वाल्मीकि समाज के जो लोग थे, जो वहां के सफाई कर्मचारी थे, उनको गलत करके, उनको बहका के, उनको वहां पर जाया गया, उसमें कुछ संगठन के लोग भी थे, उनसे उनकी बातचीत हुई होगी, उनको बहला उठा के वहां पर जाया गया। वाल्मीकि समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी सफाई कर्मचारी से किसी की कोई लड़ाई हमारी है, वाल्मीकि समाज को हमारे साथ रखता है, झाड़ू को तो हम पूछते हैं, और वाल्मीकि समाज को तो राजा कहते हैं, उनसे उनसे कौन लड़ाई करेगा, कोई किसानों को बेचने खरीदने का काम करता है, हमारी परंपरा है, अगर उनके वही दर्शन हो जाए तो उसको बोलता है, तो उसका हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी, ये के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, जिसने जातिवाद का जहर फैलाने का काम करा है, उसका यहाँ से ट्रांसफर हो, ये हमारी सरकारों से डिमांड है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जिसने जातिवाद जहर फैलाने का काम उधर फैला सकता है, उसको छोटे नहीं रहे हम, वाल्मीकि समाज के लोग उसे हमारी बातचीत होगी, हम उनसे बातचीत करेंगे, वहां जाना होगा, जाएंगे हम वहां पर, उनसे हमारा कोई संघर्ष नहीं है, देखो जब यहाँ पर संघर्ष हुए, जब बाहर के आक्रमणकारी यहाँ पाए तो धुआं भंगी यहाँ के ही थे, बेहतर लड़ी वजन उनसे लड़ाइयां लड़ी हो तो सेनापति थे हमारी फौज के, तो इनका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं, इनको कहा कि वहां पे किसान संगठन की मीटिंग है, वहां पे कोई पाकिस्तान के नारे लगा रहा, आपके खिलाफ नारे लगाया, कोई हमारी मीटिंग में कोई नारे लगा देगा, कोई पहला पूछना के एक काम करा गया, उन लोग वहां पर जाया गया, लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी हमारे लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल होंगे वे संगठन से बाहर जाएंगे, इसमें कुछ बीजेपी के लोग हैं, कुछ इसमें सरकार के लोग हैं, कुछ इसमें हमारे लोग भी हैं, उसी पूरी जांच होगी, कौन इसमें दोषी है, संगठन के लोग होंगे तो वे बाहर जाएंगे, षड्यंत्रकारों की यहाँ पर जरूरत नहीं है, और ये भी है भाई हर जगह कोई धरना देने की जरूरत नहीं है, आप अधिकारी से बातचीत करो, आपका काम नहीं करता, आप अपने गांव में जाओ, संगठन को ध्यान दो, अपने संगठन को मजबूत करो, सरकार आपका काम नहीं कर रही, अधिकारी काम नहीं कर रहा, तो आप गांव में जाओ, अपने संगठन को मजबूत करो, मुसीबत किसान के ऊपर बहुत आने वाली है, जो मजदूर है, किसान है, बिजली की समस्या होगी, खाद की होगी, पानी की होगी, फसल बेचने की होगी, ये बहुत से सवाल आपके सामने आएंगे, यहाँ पे कुछ मीटिंग है जो घोषणा करी वो है, कमेटी ने तय करा 28 तारीख की मीटिंग, 20 तारीख की मीटिंग सहारनपुर में हमारी है, और वहां पर जाएंगे, वहां पर हाईवे पर ना, वहां के किसानों ने वहां पर मीटिंग रख रखी, 22 तारीख की मीटिंग टप्पल में नोएडा को लगाकर, आगरे का जो किसान है, जिन किसानों की जमीन नहीं गई है, उनको 64% कुछ जगह दे रही है, कुछ जगह नहीं दे रही, वहां पर इंडस्ट्री जोन घोषित कर रखा, उन किसानों की जमीन जा रही, एयरपोर्ट का मामला जेवर का हो, तो वहां पर मीटिंग है, उसके बाद में 9 अगस्त ये संयुक्त मोर्चे का आह्वान है, 9 अगस्त को ट्रैक्टर, क्योंकि अगस्त के महीने में 15 अगस्त को हम ट्रैक्टर परेड निकालते थे, लेकिन उसका टाइम 6 दिन पहले हो गया, और 9 अगस्त को रहेगा, हर जिला मुख्यालय
मामले पे ज्ञापन दिए जाएंगे, ट्रैक्टर मार्च के बाद जलता जाएंगे, अपना प्रोग्राम वहां पे करेंगे, एक दिन का प्रोग्राम रहेगा। जो शामिल वाले लोग होंगे और हिंदन नदी से इस साइड के लोग होंगे, उनका प्रोग्राम भाजू पट का होगा, क्योंकि भाजू पट भी एक महत्वपूर्ण विषय है। मौसारे को वही अधिकारी को बुलवाओगे वहां पे भाजू पट पे, वो प्रोग्राम अपना वहां पे रखो, एक मीटिंग वहां पर होगी, ट्रैक्टर वहां से वहां चल रही। जो हिंदन नदी है हिंदन काटू और आ जाएगी, इससे जो इतना क्षेत्र होगा और जो सामने वाला क्षेत्र होगा वो वहां पर वे सब लोग अपना प्रोग्राम करेंगे और तेरे जिला मुख्यालय का प्रोग्राम होते रहेंगे। सब अपने संगठन पे बात करो, ये कमेटी पे तय हुआ। अभी 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, 16, 17, 18 और उसके बाद में भी जो भी मेंबर पार्लियामेंट किसी भी पार्टी का हो उसको ज्ञापन दे रहे, संयुक्त मोर्चे का तरफ से ज्ञापन आया उनको दे रहे हैं कि जो विपक्ष के होंगे हमारी आवाज उठाओ और जो सत्ता पक्ष के होंगे हमारे किसानों के जो गांव मजदूर उनके काम में आदिवासी के काम को मतलब मिलना सबसे है, वो सत्ता का हो वो विपक्ष का हो उन सबसे मिला जाएगा। मुजफ्फरनगर में जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने उनको दे दिया, बिजनौर वाले हैं उनसे बात कर रहे हैं, आज भी होंगे तो आज बिजनौर के लोग आ रही है देंगे और अगर अभी भी नहीं मिलेंगे तो 23 तारीख से संसद शुरू हो गई है तो वहां पर सब लोग उठेंगे। संयुक्त मोर्चा पूरे देश भर में काम कर रहा बहुत मजबूती के साथ में, आपने बहुत ताकत लगाई तो सरकार का कुछ दिमाग ठीक हुआ। अगर सरकारें काम नहीं करेगी तो इलाज उनका फेल होगा। आप अपने काम पर लगे रहें, अपने संगठनों पर लगे रहें, जो संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान है उस पर हम सब लोग काम करते रहे। ये नैनो यूरिया वाला है, बिजली वाले इसमें है, इस पर कई कार्यों की बहुत सी काम इसकी आ रही और छोटे स्तर पर हमको छोटे स्तर पे गांव की कमेटियों पे काम करना। जो सहकारी समिति होती है सहकारी समिति के स्तर पे काम करना, क्योंकि ज्यादातर सहकारी समिति पे किसान का सीधा संबंध होता है, उसके अध्यक्ष बनाओ जो वहां पे काम करता हो। जो आपके लोगों से मोटरसाइकिल अपनी साइकिल से कौन सा गाँव में काम करना, जो शहर में ज्यादा जाता हो उनको वहां पर पढ़ाओ, वो वहां पे काम मजबूती के साथ करेगा। जैसे वहां पर भी जो उसका पैसे का ब्याज का होता है अगर 7% से लेकिन वो 3-4% के आसपास है, और जगह वो जमा भी हुआ है, कोई अगर ज्यादा ले रहा है तो वापसी होगा। ये वहां पे बैठ के बातचीत मुजफ्फरनगर में सबसे अच्छी है और कल भी किसान दिवस में इन विषयों पर बातचीत वहां पर हो जाएगी। जाते जिनका काम हो वो लिखित में नहीं आओगे, कागज का लिखे आते ही वहां पर लिखित में उनको लोग होंगे। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद संविधान। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।